नमस्कार, जय हिंद। मैं रामपाल सिंह, रिटायर्ड सूबेदार इंडियन आर्मी। मैं आज आपको दीपकार बुढ़ा थोकी चैनल के माध्यम से क्लारिनेट के बारे में या क्लारिनेट फैमिली के अंदर आने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आपको विदित है कि क्लारिनेट अमूमन बैंड के अंदर बी फ्लैट क्लारिनेट के नाम से जो जाना गया है वही ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं डी क्लारिनेट फैमिली। इसमें सबसे पहले सीनियरिटी से ई फ्लैट क्लारिनेट, क्लारिनेट इन ई फ्लैट, जो लगभग 18 इंच उसकी लंबाई रहती है और उसका जो कंपास है E2G, जो उसके अंदर नोटेशन दिया गया है वो सबसे नीचे ई नोट है और सबसे हाई नोट जो है वो उसका क्या है, जी है। यहाँ आगे मैंने लिखा हुआ है इसका इंटरवल, यानी कि पियानो साउंड से ये माइनर थर्ड अप रहता है। जब हम पियानो के साथ में इसको मिलाते हैं तो हमें जो सिखाया गया है उसको बोलते हैं हम साउंड, इसका साउंड क्या है। तो हमें इससे ऑपोजिट, क्योंकि ये बैंड के साउंड से थर्ड अप में है तो इसको थर्ड हमें डाउन आना पड़ेगा, ठीक है। जो नोट है यहाँ से थर्ड डाउन करेंगे और इस नोट से, कंपास के नीचे वाले नोट से और कंपास के ऊपर वाले नोट से उसको हम थर्ड थर्ड डाउन करेंगे। जो भी नोटेशन आएगा उनका इंटरवल क्या होना चाहिए, माइनर का। जैसे यहाँ पे ई नोट है, ई से थर्ड डाउन किया हमने ई डी और सी, तो सी और ई का जो इंटरवल है वो आपका माइनर का होना चाहिए। तो वो है उसका साउंडिंग डाउन नोट। और ऐसा ही यहाँ से जी से हम थर्ड इसको क्या करेंगे, डाउन करेंगे, ठीक है। तो उसका क्या आ जाता है, उसका साउंड आ जाता है जब हम बैंड के साथ में मिलते हैं। जब अब यहाँ पे हमने इंटरवल इसका लेना है तो ये बैंड से थर्ड अप है, ठीक है। तो साउंड लेने के लिए इसका हमें यहाँ से थर्ड अप ही जाना पड़ेगा, यहाँ से भी हमें थर्ड अप जाना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में क्या हो गया, एक तो क्या है जो इसका इंटरवल डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से आपने इसको अप है तो अप कर देना है, डाउन है तो डाउन आ जाना है, तो उसका साउंड निकल के आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा जब आपको इसका कंपास और इंटरवल मालूम है तो इसी बताए हुए तरीके से आप इसका साउंड निकाल सकते हैं। जब हम बैंड के साथ में मिलना होता है, जैसे अभी हम मैक्सिमम बोल देते हैं पियानो बी फ्लैट, तो ये क्या करता है, उससे ऑपोजिट जाता है, अप है तो डाउन आ जाता है, डाउन है तो अप चले जाता है। आया समझ में? उसके बाद में दूसरे कंडीशन में दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्लारिनेट इन सी। कंपास इसका भी वही सेम है, ई नेचुरल टू जी नेचुरल। ये सेम लिखने का मतलब है कि ये इसका इंटरवल जो है वो नील है, ठीक है। बैंड पिच ये जैसे बी फ्लैट है तो ये भी बी फ्लैट है, तो इसलिए यहाँ हम लिख देते हैं यही इसका कंपास है और यही नोटेशन इसका साउंड है और इंटरवल इसका क्या है, नील, क्योंकि कोई इंटरवल नहीं है इसका। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका जो बैंड के अंदर अमूमन बजता है क्लारिनेट इन बी फ्लैट या बी फ्लैट क्लारिनेट जिसको बोलते हैं, उसका इंटरवल क्या है, बैंड से मेजर सेकंड डाउन में रहता है वो, ठीक है। कंपास उसका सेम वही है ई नेचुरल टू जी नेचुरल, लेकिन सेकंड डाउन में है ये, ठीक है। ये जो था इसको सीनियर क्यों बोला है कि बैंड से थर्ड अप जाके बैठा हुआ है वो, ये जो क्लारिनेट है आपका ये सेकंड डाउन में है, तो इसको बैंड के साथ पियानो के साथ मिलने के लिए सेकंड अप जाना पड़ेगा। बैंड बी फ्लैट बजा रहा है तो ये क्या बजा रहे हैं, सी, क्योंकि इन्होंने वहां से सेकंड अप कर दिया उसको। ऐसा ही जब आप साउंड निकालोगे इसका तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा चौथे नंबर पे क्लारिनेट इन ए, ठीक है। तो चौथे नंबर वाला जो क्लारिनेट है वो भी बैंड के अंदर नहीं है, बजता नहीं है, लेकिन फैमिलीज के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन बुक के अंदर इसका व्याख्यान है। तो ए जो ए है तो वही मेडल सी के हिसाब से सी वी ए, थर्ड डाउन किया तो इसका इंटरवल क्या हो गया, माइनर थर्ड डाउन। ए मेजर के अंदर सी शार्प होना चाहिए, वहाँ नेचुरल है तो ए टू सी माइनर थर्ड, ठीक है। तो ये इसका जो इंटरवल है थर्ड डाउन करके ही इसका ये कंपास से आपको इसका साउंड आ जाएगा। उसके बाद में आ जाता है हमारा पांचवें नंबर पे अल्टो क्लारिनेट इन ई फ्लैट, जो अभी अल्टो की जगह हमारा वो बना हुआ है, अपना अल्टो दे दिया है, इंस्ट्रूमेंट अल्टो दिया हुआ है,
तो अल्टो का उसका भी मेजर सिक्स डाउन इंटरवल है और इसका भी मेजर सिक्स डाउन इंटरवल है। कंपास इसका भी सेम है, ई नेचुरल टू जी नेचुरल। उसके बाद में टेनर कराने टेन एफ, जिसकी जगह पे अभी हम एफ हॉर्न को यूज करते हैं बैंड के अंदर। सेम बैंड इसका भी परफेक्ट फिफ्थ डाउन इंटरवल है, जो म्यूजिक का भी हमारा हॉर्न प्ले करता है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा बेस क्लारिनेट इन बी फ्लैट, जो अभी हमारे पास में है बैंड के अंदर। इसका इंटरवल है वन एक्टिव मेजर सेकंड डाउन या मेजर नाइन्थ डाउन। तो लास्ट में हमारे पास में एक आठवें नंबर पे आता है पेडल और कंट्राबेस क्लारिनेट इन बी फ्लैट। तो उसका जो कंपास हमने यहाँ पे चेंज करके दिया हुआ है, क्योंकि इसका इंटरवल है टू एक्टिव। अगर हम इस नोटेशन को टू एक्टिव नीचे करके लिखेंगे तो शायद पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या किया है, क्लिप चेंज करके बेस क्लिप के अंदर सेम वही है ई टू जी, जैसे यहाँ पे ई टू जी दिया हुआ है जी क्लिप में। इसको अगर हम नोट को एक एक्टिव डाउन करेंगे तभी ही वो नोटेशन हमारे पढ़ने से बाहर हो जाएगा, तब हम इसको ग्रेट स्टाप के हिसाब से बेस क्लिप के अंदर जो नोटेशन हमारे पढ़ने में आ जाते हैं। तो इस तरीके से उसको लिखा जाता है, ये भी वही है ई नेचुरल टू जी नेचुरल बेस क्लिप के अंदर। तो उसका टू एक्टिव मेजर सेकंड डाउन है इंटरवल, तो वो भी नहीं। अभी मैं आपको जो हमारे बैंड के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बजता है, सबसे सीनियर इंस्ट्रूमेंट है क्लारिनेट इन ई फ्लैट, इसके बारे में आपको थोड़ा हमारे रमेश जी बताएंगे कि इसका नीचे का कंपास नोट तो क्या है, साउंड नोट क्या है ई नाचल, और हाई नोट सबसे हाई नोट जी नाचल। बस तो देखा, तो ये जो सबसे नीचे वाला नोट था इससे ऊपर और जी से नीचे कितना हाई पिच हो गया, इसलिए इसको हाई पिच इंस्ट्रूमेंट भी बोल देते हैं। मैक्सिमम अगर हम ई से वाइस क्रोमेटिक या वाइस सेमीटोन जिसको बोलते हैं जी तक जाएंगे तो लगभग 28 नोटेशन बन जाते हैं हमारे, ई ई शार्प एफ शार्प जी जी शार्प ए बी शार्प, जैसे क्रोमेटिक से चलते हैं ई टू जी। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है जो अभी हमारा मेलोडी इंस्ट्रूमेंट है बैंड के अंदर बजने वाला वी फ्लैट क्लारनेट। तो उसके बारे में भी सेम उसी से थोड़ा बड़ा है साइज में, लेकिन है इसका भी कंपास ई नाचल टू जी नाचल है। तो अभी ई नाचल का आवाज़ सुनिए इसका, इसी के ऑपोजिट कंपास का हाई नोट जी नाचल। तो बस बस बस, तो ये है जो हमारा ज़्यादातर मेलोडी प्ले करता है इंस्ट्रूमेंट, मेलोडी दिया जाता है इसको, लेकिन नोटेशन इसके यही रखे जाते हैं। इनके भी एक रजिस्टर होते हैं, उनके बारे में फिर जब गई अगली क्लास चलेगी तो बताएंगे, जिनको हम टोनल रजिस्टर बोलते हैं। तो उनको बांटा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक उनके पार्ट बने हुए हैं, लो रजिस्टर मिडल रजिस्टर या हाई रजिस्टर जो भी है। तो कौन से रजिस्टर के अंदर कौन सी मेलोडी अच्छी बज सकती है, तो उसी के अंदर जो कंपोजर है उसका म्यूजिक लिखता है। उसके बाद में अभी लास्ट में हमारे पास में है बेस क्लारिनेट, जिसको बोलते हैं हम बेस क्लारिनेट इन बी फ्लैट, जो हमारे जितेंद्र जी इसको बजाकर सुनाएंगे। इसका भी ई टू जी ही अपना कंपास है और ये वन एक्टिव सेकंड डाउन है, तो सेकंड डाउन ई की आवाज़ सुनिए, ये ई नाचल नोट बजाया इन्होंने। और उसके बाद में हाई नोट इसका जो जी नाचल है, तो ये था, ये बेस है, बेस के नाम इसलिए जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि बेस नोट इसके अंदर ज़्यादा प्ले होते हैं। तो जाहिर है कि इसका जब भी म्यूजिक होगा वो यहीं पे जो लेजर लाइन के नीचे जो बोलते हैं हम, वहीं नीचे का ही म्यूजिक होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी है, अगर आपको कोई डाउट हो इसके बारे में क्लारिनेट फैमिली के बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट। तो ये क्लारिनेट फैमिली है, जब आपको इसका कंपास और इंटरवल पता लग गया तो आपने इसका साउंड जो है वो अपने आप लिखना है या निकालना है, सिनेटी यही है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या नोटेशन लिखते हैं आप, थोड़ा सा उसको अगर लिख के चेक कराएंगे या अपने आप निकालेंगे, तब आपको इसका साउंड जो है सही पता लगेगा कि इसका साउंड है क्या है और ये अभी है कहाँ पर है, ठीक है। तो अभी आशा करता हूँ कि ये चैनल आपको पसंद आया होगा, आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।